प्यारे बच्चों, ज्यामितीय रचनाओं वाले अध्याय के लगभग अंत में हम पहुंच चुके हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना हम यहाँ पर करने जा रहे हैं और वो रचना है अंतःवृत्त की रचना। अंतःवृत्त क्या होता है? किसी त्रिभुज एबीसी के अंदर एक ऐसे वृत्त की रचना करना जो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करती हो। इसके पहले आपने एक और वृत्त की रचना की थी त्रिभुज से संबंधित, वह वृत्त उस त्रिभुज के शीर्षों से होकर गुजरता था। अब हम जिस वृत्त की रचना करने जा रहे हैं वह त्रिभुज के अंदर है और उनके भुजाओं को स्पर्श करता है। अब आप देखिए कि यह हमें रचना की शुरुआत कैसे करनी होगी। कल्पना करिए कि यहाँ पर एक वृत्त है जो इसकी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, यानी वृत्त के केंद्र से इसके प्रत्येक भुजा की दूरी बराबर है। अगर हम इन दोनों भुजाओं के ऊपर ध्यान केंद्रित करें तो जो वृत्त इन दोनों भुजाओं के स्पर्श कर रहा है, यानी वृत्त का केंद्र इन दोनों भुजाओं से समान दूरी पर है। आप याद करिए कि ये गुण आपने कहाँ पाया था कि एक बिंदु कोण बनाने वाले दोनों भुजाओं से बराबर दूरी पर हो, ये बात आपने कहाँ देखी थी? आपको याद आ रहा होगा कि ऐसा बिंदु उस कोण के समद्विभाजक पर या कोण के अर्धक पर स्थित होता है। आपने कोणार्धक खींचते समय ये बात देखी थी कि कोणार्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु कोण बनाने वाली भुजाओं से समान दूरी पर होता है। तो कोणार्धक के उस गुण का उपयोग करते हुए हम यहाँ पर एक ऐसा बिंदु प्राप्त करेंगे जो इन दोनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है। यानी हमको बी से कोणार्धक खींचना होगा तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों भुजाओं को छूने वाला बिंदु, ये इन दोनों भुजाओं से बराबर दूरी पर स्थित बिंदु इस अर्धक पर स्थित होगा। यानी ऐसा कोई वृत्त हम खींच सके जो इन दोनों को स्पर्श करता है तो उसका केंद्र इस कोणार्धक पर स्थित होगा। अब इसी तरह से आप इन दोनों भुजाओं के बारे में सोचिए कि इन दोनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला वृत्त का केंद्र इस कोण के कोणार्धक पर स्थित होगा। यानी दोनों कोणार्धक जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे वो एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ से इन तीनों भुजाओं की दूरियां बराबर होंगी। यानी हमें इस वृत्त के अंतर्गत, यानी हमें इस त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त खींचने के लिए किन्हीं दो कोणों का अर्धक खींचना होगा। तो चलिए हम अर्धक खींचते हैं और कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसा केंद्र प्राप्त करें जो तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर हो। यहाँ हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारा केंद्र अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा भी इधर उधर हटेगा तो हम सही वृत्त प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो चूंकि यहाँ पर जो हम रेखाएं खींच रहे हैं उसकी मोटाई काफ़ी ज़्यादा है, रेखा की अवधारणा से काफ़ी अलग है, तो ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है। तो हम बहुत सावधानी से रचनाएं करेंगे और बिंदुओं को ठीक बीच में लेने की कोशिश करेंगे। तो हम प्रकार को इस तरह से फैलाते हैं कि एक दूरी हम यहाँ पर एक चाप हमें मिल जाए और प्रकार की नोक को हम बी पर रखें और बी ए पर एक चाप काटें, वैसे ही बी सी पर एक चाप काटें। चूँकि दोनों चाप समान त्रिज्या के हैं इसलिए बी से इस बिंदु की दूरी बी से इस बिंदु की दूरी के बराबर है। अब फिर से हम जो हमें कटन बिंदु प्राप्त हुआ है बी ए पर, वहाँ से एक और चाप काटें त्रिभुज के अंदर ही और इसी नाप से हम दूसरे कटन बिंदु से भी चाप काटें। ऐसा करके हम जो चाप काट रहे हैं तो ये हमें एक बिंदु प्राप्त हो रहा है। इस बिंदु को हम यदि बी से मिला दें तो जो प्राप्त किरण होगी वो कोण ए बी सी का अर्धक या कोणार्धक कहलाएगी। तो हम यहाँ से एक सावधानी से एक किरण खींचे इसे हम इस टूटी हुई लाइन से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये जो हम रेखाखंड की रचना, ये जो हम किरण की रचना करने जा रहे हैं वो कोण ए बी सी का कोणार्धक होगा और जो आपने पढ़ा था उसके अनुसार इस पर स्थित कोई भी बिंदु इन दोनों से समान दूरी पर होगा। तो यदि हम एक ऐसे वृत्त की रचना करें जो इसको स्पर्श करता है तो निश्चित रूप से वो इस भुजा को भी स्पर्श करेगा। ठीक ऐसे ही हम कोणार्धक खींचे बिंदु सी से तो फिर से हम एक काम करेंगे, यहाँ हम शीर्ष पर प्रकार की नोक को रखेंगे,
एक निश्चित त्रिज्या का चाप यहाँ लें और उसी त्रिज्या का चाप CA पर भी लें, और फिर यहाँ से हम एक और चाप काटें अंदर की तरफ। इस चाप की लंबाई इसके जैसी हुई आवश्यक नहीं है, आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये भी हमने इसे भी काटा। अब उसके बाद इस बिंदु को हम सी से मिलाएं बहुत सावधानी के साथ। हम अपनी रचना में जितनी अधिक शुद्धता रखेंगे उतने ही सटीक परिणाम हमें प्राप्त होगा। ये देखिए हम एक किरण खींचने जा रहे हैं जो सी से होकर जा रही है। ये किरण ही कोण ACB का अर्धक है। ये किरण पहले वाले किरण को कहीं पर काटे, ये हम ध्यान रखें। आप देखिए ये जो बिंदु प्राप्त हुआ, यहाँ पर एक बिंदु आपको प्राप्त हो रहा है, इस बिंदु का आप नाम दे दें O। O एक ऐसा बिंदु है जो दोनों कोणार्धक पर स्थित है। इस कोणार्धक पर स्थित होने का मतलब ये हुआ कि इसके किसी भी बिंदु की यहाँ से जो दूरी है वही दूरी उस बिंदु से इस भुजा की भी होगी। और ठीक ऐसे ही इस कोणार्धक पर स्थित कोई सा भी बिंदु इन दोनों भुजाओं से जो इन कोण को निर्मित करे बराबर दूरी पर होगा। और जहाँ पर दोनों कोणार्धक एक दूसरे को काट रहे हैं उस बिंदु की खासियत होगी कि उसकी इन तीनों भुजाओं से दूरी बराबर होगी। चूँकि वह पहले कोणार्धक पर है इसलिए इसकी यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी बराबर है, और चूँकि ये दूसरे कोणार्धक पर स्थित है इसलिए इसकी दूरी यहाँ से जितनी होगी उतनी दूरी यहाँ पर भी होगी। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिंदु O की तीनों भुजाओं से दूरी बराबर है, यानी O को केंद्र मानकर और यहाँ से जो लंबवत दूरी है कोई भी एक उसको त्रिज्या मानकर आप जो वृत्त खींचेंगे वो तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। तो हम एक त्रिज्या नापने के लिए हम किसी भी एक भुजा पर लंब डालें। मान लें हम यहाँ पर एक लंब डालते हैं, तो लंब डालने के लिए हम एक चाप यहाँ पर काटें और दूसरा चाप यहाँ काटें, और जो चाप हमें मिले वहाँ से फिर एक एक चाप सावधानी से काटें दूसरी तरफ इस भुजा के। ये हमने एक चाप काटा, और वैसे ही यहाँ से हमने एक चाप काटा जो पहले वाले चाप को किसी जगह पर काटता हो, ये हमने काट दिया। अब इस बिंदु से O को मिला दें, ये जो हमें रेखा प्राप्त होगी वो हमें BC पर एक ऐसा बिंदु देगी जो O से लंबवत होगा। हम लंबार्धक खींच रहे हैं इस रेखाखंड का, O से लंब डाल रहे हैं इस पर। तो देखिए जो लंब है वो इसको यहाँ छूता है, इस जगह पर छूता है। ये जो बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है, मान लीजिए इसे आप P नाम दे दें, तो P O से BC पर डाले गए लंब का लंब पाद है। यानी BC पर यदि O से हम लंब डालें तो बिंदु P पर OC को स्पर्श करता है। आप चूंकि ये लंब है इसलिए आप कह सकते हैं ये इसकी न्यूनतम दूरी है। आपने देखा कि हमने इन दोनों कोणार्धकों के कटन बिंदु O से BC पर लंब डाला जो BC को P पर काटता है। यानी OP जो है वो एक ऐसी लंबाई या ऐसी दूरी है जो BC को स्पर्श करती है। और ठीक इसी तरह से यदि इस त्रिज्या का वृत्त खींचा जाए तो वृत्त जिस तरह से BC को स्पर्श करेगा वैसी वो AC को भी स्पर्श करेगा और AB को भी स्पर्श करेगा, क्योंकि यहाँ से इन तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर होगी। तो चलिए हम वृत्त खींचकर देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो केंद्र होगा वहाँ से खींचा गया वृत्त तीनों को स्पर्श करेगा। ये हमने यहाँ पर प्रकार को इतना फैलाया कि जो इसको ठीक ठीक छू ले। ये देखिए P को स्पर्श कर रहा है, उसके बाद हम देखें इसको भी स्पर्श करता है क्या है, ये भी इसके पास से गुजर रहा है और वैसे ही इसको भी स्पर्श करता है। अब हम एक वृत्त खींच लें, देखिए ये एक वृत्त की हम रचना कर रहे हैं और देखते हैं कि तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है क्या ये। ये देखिए एक ऐसे वृत्त की रचना हुई जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है।
तो एक बार गौर से देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमें एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ था और हमें एक ऐसे वृत्त की रचना करनी थी जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हो। हमने पिछले प्रमेय में पढ़ा था कि कोणार्थक पर स्थित बिंदु, प्रत्येक बिंदु कोण बनाने वाली भुजाओं से समान दूरी पर होता है। इस गुण का हमने यहाँ पर उपयोग किया। हमें अंतर्वृत्त खींचने के लिए ज़रूरी था कि हम एक ऐसा बिंदु ढूंढ पाएँ जो तीनों भुजाओं से समान दूरी पर हो और वही उस वृत्त का केंद्र बनता। तो पहले हमने इन दोनों भुजाओं से समान दूरी पर बिंदु प्राप्त करने के लिए इससे बनने वाले कोण का अर्धक खींचा जो बी ओ था। ठीक इसी तरह से हमने ए सी बी कोण का अर्धक खींचा जो सी ओ था, जो दोनों अर्धक है वो एक दूसरे को ओ पर काट रहे हैं। तो ओ हमें वृत्त के केंद्र के रूप में मिला। अब ओ से हम बी सी पर लंब डाले जो उसे पी पर काटता था। तो ओ पी को त्रिज्या ली हमने और ओ को केंद्र मानकर वृत्त खींचा जो तीनों भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श करता था। तो इस तरह से आपने देखा कि अंतर्वृत्त की रचना कर ली। करके देखें, पहला, अंतर्वृत्त और परिवृत्त की रचना कीजिए जब त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर 90 अंश हो। साथ ही अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर अंतः केंद्र और परिकेंद्र कहाँ स्थित हैं। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 45 अंश, कोण ए बराबर 105 अंश, अंतः केंद्र और परिकेंद्र कहाँ स्थित हैं।